ये बना जी हमारा थंबनेल। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम से। सर ये जो पहली गाड़ी ने ऑर्डर किया ये वाला ऑर्डर दोबारा कर दें। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, शोपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रची से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज वो मज़ेदार वीडियो का दूसरा पार्ट है जो हमने तकरीबन चार महीने पहले बनाई थी, जिसका टाइटल है लेटिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी डिसाइड व्हाट आई ईट फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। और मेरे साथ बॉय है, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दो दो मास्क पहन वो देख जिंदगी में ही बेचारा था, इधर अपने आप के साथ लीन हुआ पड़ा। सेम टू यू। अच्छा भाई, लेटिंग द पर्सन का जो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था उसके ऊपर मैंने वीडियो में बोला कि यार इस पे 100,000 लाइक्स कर दो। मैंने फिर कहा नहीं नहीं यार, असद कहता हो जाएंगे यार, क्या हो गया। yes. और उस पे 160+ K लाइक्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, और 1.9 मिलियन व्यूज का आपका प्यार है उस पे। तो हमने सोचा कि उस वीडियो में मैंने कहा था कि लेटिंग द पर्सन का दूसरा पार्ट बनाएं कि नहीं, आप लोगों ने कहा था बनाएं, तो उसमें बनाने में हम काफी लेट हो गए, चार महीने गुजर चुके हैं। तो असद साहब अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:12 है ना, 10:10 है। और अभी हम लोग लाहौर में इस वीडियो को शुरू करने लगे हैं। इसमें होगा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। जिनको नहीं पता, जिन्होंने लेटिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी डिसाइड व्हाट आई ईट फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, कितना लंबा टाइटल है ये। अगर पहला पार्ट नहीं देखा, आमीन भी कह दिया। हाँ, ये किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ कि क्या सीन है इसमें। हम लोग किसी भी ड्राइव थ्रू में जाएंगे और हमसे अगली गाड़ी जो भी ऑर्डर करेगी हम उनको बोलेंगे हमें वो सेम ऑर्डर चाहिए। हम पूछेंगे नहीं उस ऑर्डर के अंदर है क्या, वो कितने का है। पिछली दफा याद है KFC पे क्या हुआ था, आंटियां दोबारा ना मिल जाए, पूरे मोहल्ले का ऑर्डर कर गई थी। तो ये सीन है, इसका नाम पूछ सकते हैं, उसमें क्या है नाम पूछ सकते हैं, कितने का है, बस हमने ये कहना है कि जो अगली गाड़ी ने ऑर्डर दिया है वो हमें दे दो। तो पहले कहाँ चले हैं सर साहब, बताओ पहले भजन ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। यार लास्ट टाइम हमने ब्रेकफास्ट में मैकडोनल्ड किया था, आज हम वो नहीं करेंगे ब्रेकफास्ट के। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है KFC का नाश्ता होता है, नहीं गोगे का ड्राइव थ्रू है, गोगे का ड्राइव थ्रू नहीं है। ग्लोरिया चले, ग्लोरिया चलो चलो ग्लोरिया चलते हैं। लेकिन ग्लोरिया का ड्राइव थ्रू नहीं होना, हमें वैसे कहना पड़ेगा कि हमें जो भी ऑर्डर है वो तो दे दो। उसमें हम डिसाइड कैसे करेंगे कि उस गाड़ी ने जो ऑर्डर दिया, नहीं हमसे पहले जो भी ऑर्डर पहुंचा। अच्छा चलो ठीक है। हाँ लो जी असद साहब, MM आलम वाले ग्लोरिया पे भी कुछ नहीं है और सेकंड कप भी खाली पड़ा हुआ है। ये तो अभी सफाइयां कर रही है, सफाइयां तो पहले खुद नाश्ता करेंगे। मेरा ख्याल है हम कोई और जगह देखें। आप और बताओ इधर MM आलम पे कौन सा है नाश्ता स्पॉट। यार नाश्ते यार ये हमारी कॉम नाश्ते वाली है नहीं, है नहीं वैसे। हाँ ये सुबह फजर टाइम तो सोते है। मॉल वन ट्राई करें, मॉल वन हाँ उधर है वो। ये भी खाली पड़ा भाई, भजन खाली, मॉल वन भी सारा खाली पड़ा हुआ है। हम फिर ही जा रहे हैं, हमें कोई जगह ऐसी नहीं मिल रही जहाँ पे रश, अच्छा कोई रश वश मिले ताकि हम उस बंदे का किसी को ऑर्डर लें तो कोई अच्छा ऑर्डर तो मिले। भूख से अखीर हुई हुई है मेरी यार, भजन रश, फिर अपन यहाँ किसी से लड़ाई करके रश डाल लेते। एक तो अपनी वो देख सेकंड कप भी फारिग पड़ा, रिक्वायरमेंट पूरी है। फिर यार एक ही ऑप्शन है कि हम मैकडोनल्ड ही कर लेते नाश्ते में, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। मुड़ गिड़ के हम लोग मैकडोनल्ड ही आ चुके हैं, मेन बुलेवार्ड। ये लाहौर का पहला मैकडोनल्ड है, शुक्र है, मतलब मैकडोनल्ड ही हमारा आखिरी सहारा है नजर आई नाश्ते में, अवाम नजर आई, ऐसा लग रहा था पता नहीं हर कोई बेच बाच के चला गया यहाँ से। ओ ये देखो, ये हमारा अच्छा फैसला था मैकडोनल्ड आने वाला, चार पांच गाड़ियां लगी हुई, शुक्र है। असद भाग के जा गाड़ियों में से, देख के रश किस में सबसे ज्यादा। हमसे अगली गाड़ी अभी ऑर्डर कर रही है और हमारा सारा आसरा इस गाड़ी पे, और मुझे फील हो रहा है कि वो गाड़ी के अंदर अकेला बैठा हुआ है। लेकिन वो भजन वो आंटियां भी दो ही थी, वो आंटियां भी दो ही थी, और ऑर्डर 5,000 लेगा था, कितने का था, 4,300 का ऑर्डर था। ये भी बोलता नहीं है वो, ये पूरे अपने खानदान के लिए लेके जा रहा हो सकता है, पीछे भी रश लग गया। वेरी गुड, अगर कोई एक आधी चीज उसने ली, कॉफी या शेक उसने ले लिया, फिर आप घूम के दोबारा आएंगे। ठीक गुड, ये ठीक है। अच्छा कितने तेज है, जहाँ ऑर्डर देना वहाँ इन्होंने छत दी, बाकी सड़ जाए धूप में। असद साहब B-series, चुप चुगल ना लगाएं कोई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। ये अगली गाड़ी ने जो ऑर्डर दिया है वही सेम ऑर्डर चाहिए, जी बिल्कुल। ओके जी, आधा अंडा खाया क्या? हमारा कितना बना है, 1400 का बिल, और मुझे लगता है उसने ऑर्डर ठीक किया है, मतलब हमारा नाश्ता अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा ओ थैंक यू यार, अभी भी वीडियो ही बन रही है।
अच्छा पहले भी देखी है ये वाली। सही है, जब आपने कहा सेम ऑर्डर मुझे वो वीडियो याद आया। अच्छा ये ले, थैंक यू। वापस में लड़ कहते सेम ऑर्डर दो बारी क्यों दो बारी क्यों पंच कर दिए वो कहते। आपका नाम? ओके अब्दुल रहमान भाई। भाई जान बहुत खूबसूरत नाम है आपका। वालेकुम सलाम। बाहर लगा लूं? बाहर निकाल दोगे? अच्छा सलाम भाई जान, कौन सा ऑर्डर है ये? तो स्ट्रॉबेरी शेक आप ही कहिए। 1400 वाला है? हाँ जी। है? हमारे उसमें 2 स्ट्रॉबेरी शेक्स थे, पता नहीं। लाओ जी असद साहब दिखाओ कंप्लीट ऑर्डर किया है। 2 हमारे पास स्ट्रॉबेरी शेक्स हैं। ये एक भाईजन है, पता नहीं क्या, पता मफिन नहीं। है हाँ, एक मफिन होगा जो भी है। अच्छा अच्छा जी, और इसके अलावा भाईजन अंदर दिखा, मुझे अंदर दिखा, अंदर क्या भाईजन? देख लो देख लो। ये अच्छा, ये तो ये आपके लिए है। और इसके बाद भाईजन ये वो बड़ा, ये बड़ी चीज आई यार, ये मुझे दे दे प्लीज। हैं ये अद्दा अद्दा करेंगे जो भी है। और भाईजन हैश ब्राउन, हैश ब्राउन वो स्ट्रॉ दे जल्दी से, एक सिप इसका तो ले, मेरी तो अखीर हुई पड़ी है। हां मैंने पुट्ठा लगा लिया, चलो कोई नहीं। क्या पुट्ठा लगा लिया? सटरा सटरा तेरा पता नहीं, मुझे हैश ब्राउन इनके बहुत, मुझे ओवरऑल ही मैकडॉनल्ड्स का नाश्ता बड़ा अच्छा लगता है। और कोई मिलता है? हाँ, और कोई मिलता भी नहीं है। गर्मा गर्म आया है ना, कड़कड़ाता ऐसे क्रिस्पी। मुझे ये बताइए जो बंदा वैसे ऑर्डर करके गया है, इसकी अकल गिटो में थी? माइट बी पॉसिबल, लेकिन किस सेंस में कह रहे हो तुम? बंदा को कॉफी जो भी ऑर्डर करता है, शेक ऑर्डर कर गया। यस अभी हमारे पास एग सॉसेज रैप है और ऑमलेट मफिन है, तो पहले यही खाते हैं। पहले ये ठीक है? यस रैप को रख देते हैं, रैपटा ना खा ली मेरे से। चीज छोड़ दे यार, इसमें ऑमलेट है, चीज है, सिंपल और कुछ भी नहीं है। वाकई हूँ वैसे ऑमलेट मफिन के अंदर कुछ इस तरह का खास नहीं होता, सिर्फ इनका बन थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी वही ऑमलेट जिस तरह आप घर में भी बना लो और चीज की एक टिक्की ऊपर डाल लो, वही टेस्ट है। अब बारी है जी रैप की, और रैप इनका मुझे बहुत पसंद है, खोल के देखते हैं। इसने कौन सा ऑर्डर किया था? एग सॉसेज ना? हाँ शुक्र है। इसमें एक हैश ब्राउन है, सॉसेज है और एग है, और साथ में रैप्टा है। अंदर की सॉस है कि नहीं? लग तो नहीं रहा, वैसे होनी चाहिए। हाँ है, चीज है अंदर। अच्छा साहब हाँ, अब इसको आधा हम कर नहीं सकते, ये तो लड़ाई। आधा पहले आपने खाना या मैंने खाना? पहले भाईजन फिर आप शुरू करें। नहीं, नहीं एक एक बाइट करके खाते हैं ना। हाँ ऐसे जरा ना इंसाफी ना हो जाए। हाँ। फिर तूने ये नहीं कहना कि तुम्हारा मुंह बड़ा तुम्हारी बाइट बड़ी है। ओए आहा, हैश ब्राउन वैसे बड़ा मजे का होता है, जो हैश ब्राउन सॉसेज और एग मिक्स हो गया था ना, इंतहा मजेदार यार। तुम्हारी बड़ी ये तो आप खेडे लगे रहेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा इस रैप की सबसे मजेदार चीज पता क्या? ये देख, इतना सॉस, मैं ऐसे हल्की सी बाइट लेते हैं वो सारा टूट के मुंह में। लास्ट बाइट है और है थोड़ी बड़ी। असल खा लूं पूरी के चाहिए? खा भाई खा, पक्की बात है? पक्की बात, फिर सोच ले। नहीं मुझे तेरा पता है। हाँ। नहीं नहीं खा यार, खा खा। नहीं नहीं यार, खा तू खा, खा। नहीं नहीं तू खा, खा। ब्रेकफास्ट डन, अब हमारा रह गया जी लंच और डिनर। ठीक है yes. अब लंच में कहाँ जाना है? लंच में भाई तभी डिसाइड करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है हम दोनों से, थोड़ी बहुत हमारे पास ऑप्शन होंगे। हम दोनों ऐसे अपनी सीटें सीधी करके जरा ना, अभी लामलेट हुए में वो वैसे ही हम 2 मिनट के लिए हुए, अभी हम घर ही जाएंगे क्योंकि लंच में तो बहुत ज्यादा टाइम है। अभी 10:30 भी, 10:30 हुए होंगे। घड़ी देख रहे और लाया है नहीं भाई जान, 11 बज रहे हैं। तो अभी लंच हम तकरीबन 1:30-2 बजे करेंगे, तकरीबन 2:30 बजे। चल घर चलते हैं, गेम में खेलते हैं, GTA खेलते हैं। ये बात टाइम हो रहा है जी पूरे 3 और हमें ज्वाइन कर लिया जवाद साहब ने। पहले तो जवाद साहब का है आज सालगिरह, तो जवाद साहब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू। 34 साल का हो गया? 34 का, 88 से लगा आगे। अच्छा सीरियस ले गया थोड़ा सा। खैर अभी असद साहब जाके जो है वो सुबह नाश्ते के बाद ऐसा सोया, मैं एडिट वगैरह करता रहा बैठा, और ये
इतने बड़े बड़े खराटे थे सब एक में सोया था ना ये ऐसे बड़े बड़े खराटे ही लेता है। अभी फिलहाल हम लोग एमएम आलम पे हैं और सामने डोमिनोज है, डोमिनोज पे खड़े हुए कब से वेट कर रहे हैं कि कोई गाड़ी शाड़ी आए, कोई ऑर्डर शॉर्डर कोई हो तो हम उसके पीछे जो है जाएँ। हमारा यहाँ पे पास में हार्डीज भी है लेकिन दिल कर रहा है पिज़्ज़ा का, अभी हम 10-15 मिनट और देखते हैं, अगर डोमिनोज पे फिर भी कोई ना आया तो मजबूरी है फिर हमें डोमिनोज से जाना पड़ेगा। एक आई है गाड़ी सामने लेकिन नहीं उसका मुंह नहीं सुसी थी आ रही पिछले 10 मिनट से, वहां से कोई भी गाड़ी मुड़ती है उसको देखती कहता है नहीं ये नहीं जाएगी और वो आ गई आ गई आ गई आ गई। वो डोमिनोज पे नहीं आई जवाब नहीं वो डोमिनोज लेकर वो ये एक बहन आई है और फैमिली से तुन्नी हुई है, तू दुआ कर ये डोमिनोज से अल्लाह हमारा 10,000 का बिल बना है। और गए और गए और गए और गए और गए और गए। ये एक कैरी डब्बा टाइप है, अल्लाह अल्लाह मियां ये ऑर्डर ना कराए, क्यों ना कराए क्यों ना कराए तू एवी एक कैरी डब्बा टाइप है और उसमें अच्छी खासी फैमिली भरी हुई है। ये सिल्वर क्या नाम है इस गाड़ी का, ओपीटीपी पे चले लेकिन वो ओपीटीपी चले गए यार, इनका बड़ा मजा आना था अगर ये ऑर्डर देते कसम से, वो ओपीटीपी चले गए। हम वैसे मशकूक हो गए, आधा घंटा हमें हो गया डोमिनोज को ताड़ते हुए, हर बंदा इधर उधर से कुरियर कराई जा रहा है। ठीक है ये आई गाड़ी, अब ये हमारे लिए ऑर्डर चूज कर रहा है, हमारा ऑर्डर चूज कर रहा है यार। वो अंदर बहन भाई बैठे हुए, तो वो एक टीचर कहती है कौन बैठे हुए, बहन भाई बैठे हुए तो कौन से यार, वो ही वाले बहन भाई ना, मैं शरीफ बंदा हूँ, रमजान खत्म हुआ है ना। नहीं यार, यार अब ज्यादा ऐसे बुरा लगता है उसी गाड़ी का कर लेते हैं। हाँ तो ठीक है नहीं यार अगर चलो फिर, लेकिन पहले ऑर्डर तो दे लेने देना, रुक जा तो बस वहाँ लगाते हैं ना वो दे, कहाँ लगाएंगे उसे आगे, उसने आगे आपके सर पे खड़े हो जाना। हाँ तो कह देंगे जो वो चूज करेंगे वो दो बारी कर दी, वो देख वो कह रहे हैं इनका ऑर्डर ले बताते हैं मोबाइल पे लग जा दिखाने के लिए, ड्रामा करना मोबाइल पे लग जा, वो कहेंगे हमें वेले खड़े हां वेले खड़े दे दिया ऑर्डर दे, देखिए जरा उसका हाथ बड़ा पतला सा लड़के का, ये खाने को नहीं वाला कोई नहीं है, और वो मुझे लगता उसने ऑर्डर कराए बगैर जा रहा है क्या, मिस नहीं हो गया हो गया हो गया हो गया बाकी क्या, चलो जी लो यार, और वो किसी और आउटलेट पे जा रहा है यार। फिर यही है कि उनको कहते हैं कि जो लास्ट ऑर्डर पंच हुआ है मैं वही बोली जा रहा हूं, कह देना भाई ना 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 लास्ट ऑर्डर उसका पंच हुआ, वो छोटू सा पिज्जा वो खा रहा है बेटा। हाँ वो भी बहन भाई है वो भी बहन भाई है। हाँ। यार अभी गाड़ी वाड़ी कोई आ नहीं रही तो हम इनसे खुद ही पूछ लेते हैं कि लास्ट ऑर्डर जो पंच हुआ है हमें वो दे दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार, लास्ट ऑर्डर कोई जो पंच हुआ है उसमें क्या ऑर्डर है, अभी कोई पंच ही नहीं हुआ, पंच हो गया निकल गए बड़े, 3 मीडियम गए हैं। आप ऑर्डर वो जो भी है ना सेम ऑर्डर वो करवा दो जो लास्ट पंच हुआ, वो पता नहीं हमें मजाक मजूक समझ रहा है ये क्या कर रहा है, या उसने अपनी तरह से नहीं दिया कि 3 मीडियम पंच हुए हैं, उसने समझा हमें पेंडा। हाँ कि इनको पता पता नहीं है, इनको पता पता है कोई नहीं, इन्होंने क्या जोड़ा पिछले ने खाधा वही खा ला है, वही खा ला है। शुक्रिया, हो गया बिल जी सर, ठीक ओके ओके भाई। टाइम कितना लगेगा, 15 मिनट, ओहो हमारा बिल बना है जी 2200 रुपीस, यस सिर्फ ओनली 2200 रुपया। खोलो जवाब साहब ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया, क्या है भाई ये यार, हम मीडियम है हमारे पास आए जी, 3 पिज्जा मीडियम है और फ्लेवर हमें नहीं पता कि अंदर कौन से हैं अभी यार, एक सेकंड, तेरे पास पेरी पेरी आया, ये कौन सा खूबसूरत लग रहा है यार, अपना जरा टिक्के की अनबॉक्सिंग करो, और टिक्के की अनबॉक्सिंग, ओहो तेरे पास भी टिक्का है, ये भी टिक्का है लेकिन थोड़ा सा उससे ज्यादा पका हुआ, थंबनेल 2200 रुपए का थंबनेल यार, ये तो कटा ही नहीं हुआ पिज्जा, पिज्जा कटा ही नहीं हुआ, हाथ रखिए इधर जवाब, पेरी पेरी वापस भेजा है और टिक्का खाने लगा हूं मैं। हमसे पहले जिसने भी ऑर्डर किया ना तो उसने थिन क्रस्ट करवाया हुआ है, और सिंपल टिक्का और पेरी पेरी ऑर्डर किया हुआ है, थिन क्रस्ट में ज्यादा मजा आता है, इसमें जो है ना नीचे सारी डो ही डो है और ऊपर जो है वो चीज है अच्छी खासी है लेकिन डूब बहुत ज्यादा है, वो पीछे एक पिज्जे को जुड़ा खड़ा है, इसको नहीं देना आप दूसरा, उसने रगड़ देना है सारा का सारा, अच्छा वैसे ऑनेस्टली ये टिक्का इतना मजे का नहीं, पहली बाइट में बहुत अच्छा लगा था लेकिन इतना खास आउट क्लास नहीं है। हां अब कट गया है मेरा पिज्जा, तूने मुझसे 2 पीस उधार लिए थे, ले ले तू अपने 2, तुझे नहीं मिलना यार, ये ले लो ना पेरी पेरी 2,
इनकी सॉसेस बहुत मजे की है। वो टिक्के के ऊपर कोई सॉस वॉस नहीं है, अंदर से इतना खास उसका फ्लेवर नहीं है ये। आहा भाई खाना खाएंगे पिज्जा। ओके भाई ये ग्लास भी पी लीजिएगा, उसके बाद पिया नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। टाइम हो चुका है 10:15 और हम लोग इस टाइम KFC के बाहर हैं। एक गाड़ी हमसे आगे, तीन गाड़ियां लगी हुई हैं ड्राइव थ्रू में, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ कि हम उसके पीछे लग जाए, कोई और गाड़ी ना आ जाए, क्योंकि जो आगे स्पोर्टेज लगी हुई है उसके अंदर बच्चे ही बच्चे हैं। चल जो आज पिछली बार वाकई इधर हमारे साथ जो हुई थी, अगर आपने पहले वाला इसका पार्ट देखा हुआ लेटिंग द पर्सन का, तो उसमें जो हमारे साथ ऑर्डर जवाब साहब आपको भी चेक करते हैं कैसा ऑर्डर देते हैं। लास्ट टाइम ये हुआ था कि डिनर के पैसे जो जवाब दे रहा था हार्डीज पे, और उसमें सिर्फ एक बर्गर अगले बंदे ने, एक ही था ना, और हम गाड़ी में उस टाइम चार लोग थे। एक एक लोग घुमाया। मेरी किस्मत अच्छी है, देखो अब आगे क्या बनता है। या अल्लाह आज कुछ 10,000 का बिल बनवा जितना वो लंबा दे रहे हैं ना। जैसा सुबह ऑर्डर देने के बाद स्टोरी सुना, मैकडॉनल्ड वाले की तरह ना होके वो के हाँ, मैं तभी समझ गया था कि आप वही हैं जिसने ऑर्डर किया। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कोई है जी भाई जान? ये जो सामने गाड़ी ने ऑर्डर किया था सेम ऑर्डर रिपीट कर दें जी। सामने गाड़ी ने जो ऑर्डर दिया है पिछली गाड़ी ने, सेम ऑर्डर रिपीट कर दें। मुझे नहीं पता, दोबारा घुमाटू लेंगे कितने से पीस पूस होंगे बस। नहीं यार मजा नहीं आया ना इस तरह, ना दोबारा दोबारा चक्कर खाएंगे। नहीं नहीं ले ली जो भी हुआ, मना नहीं करना, नहीं मना करना, नहीं चुप चुप ले ले ले, मना नहीं करना, अब ले ले थोड़ा, अब कुछ नहीं होता। 1250 दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। लो लो खाना नहीं है अभी, अगला चक्कर लगा। ये एक छोटा सा तुझे इतना छोटा टीका बताता हूँ मैं तुझे, नहीं लेकिन पीछे नहीं लगना, गाड़ी देख के लगना। अब देख लेना, वो यार पिछली दफा भी ऐसी ये से विक के पीछे लगा ले। एक बंदा है, एक बंदा है, इसने एक कोक की बोतल लेनी है, निकल जाना नहीं मनी वाओ के पीछे ना लगे। रिवर्स ले जा, रिवर्स ले जा, ये ऑर्डर दे दे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये फैमिली है, ये फैमिली है, मोड़ ले मोड़ ले, इससे पहले कोई और फैमिली है, मोड़ ले यार, इन्होंने भी बच्चों के लिए लेनी है एक फैमिली बकेट यार। और नहीं अल्लाह करे को बर्गर ले लें, बकेट हमारे पास आ गई, हैप्पी मील ना ले ले। पिछली दफा तो बास्केट टाइप नहीं थी, पिछली दफा ये ऐसे कोई 8-10 थे, ऐसे नहीं थे वो। 4400 बिल बना था लास्ट टाइम हमारा KFC पे, या अल्लाह आज 44 क्रॉस करवा दे। 4800 नहीं नहीं अब वाला बिल 4800 का था। नहीं 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 अब अब कुछ नहीं होता, क्या अब लगाऊं इसके पीछे के रहन दूं, एक एक लगा ले अंकल, कुछ नहीं होता, लगा ले अंकल आंटी। और हमने क्या इधर कोई तलाश करनी है वैगन है, चल पीछे लगा। यार नहीं लगा रहा यार, वो एक बर्गर लेना उन्होंने। ओए अंकल आंटी लगा ले लेंगे चीजें सही, नहीं पहले लाड़ लो, पहले लाड़ लो, एक ऑलरेडी आ चुकी है चीज, अब क्या तू क्या चाह रहा है कि अभी मल्ला इकट्ठा कर लें इधर पूरी। दोबारा से हम KFC की लाइन में आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सर, ये जो पहली गाड़ी ने ऑर्डर किया ये वाला ऑर्डर दोबारा कर दे। कर दे यार, ये पहले वाला ऑर्डर अच्छा नहीं मिला हमें। क्या था सर? बस जो ये सामने वाली गाड़ी ने दिया बताना नहीं है, बताना नहीं है हमें, नहीं बताना, ठीक है बस ऑर्डर कर दे जो पीछे पहले वाली गाड़ी ने किया, ठीक है कर दिया से, ठीक है ठीक, थैंक यू। अब इसने अगर जान के इसने उस गाड़ी का देखी उसने क्या लिया, ये कोई और ऑर्डर ना पंच कर दे बड़ा सा। हाँ। जान के नहीं, इसने टाइम दिया ना, ये वाला होता है। अच्छा सुनते ही हंस पड़ा। अभी देखिए, अभी देखिए फिर हंस रहा होगा। 660 से यार। अब नहीं आना दोबारा, बस ठीक है ठीक है। चार कोक तो नहीं देंगे वो। तो खैर जवाब साहब पिछली दफा वाला जो है शुगर है, यार मैंने पहले बताया था मेरी किस्मत अच्छी है। कितने 1250 और ये कितने 650 2000 भी पूरा नहीं, दो भी 1900 बना। सॉसी विंग्स थाई फ्रेंच फ्राइज, मैंने कहा था ना यार बच्चा है वो। चलो कोई नहीं ठीक है, अब ये थोड़ा नहीं, वो कहे ना अपना ज़हन, वो कहे अपना ज़हन तो बना के। मेरी बात सुन एक और आईडिया, चलते हैं उधर, क्या नाम है साथ ही हार्डीज है, ठीक है उधर क्या करेंगे, उधर एक दफा चक्कर लगाते हैं। अब हो गया इतना, यार तो सुन तो सही ना। वालेकुम सलाम, गाड़ी पहचाने नहीं तुम? थैंक यू, कंप्लीट है। इस ऑर्डर में हमें मिली है जी KFC के फ्राइज, इसके साथ है सॉसी विंग्स। आहा हा हा,
अच्छा भाई, इस कंप्लीट ऑर्डर के अंदर हमारे पास सॉसी विंग्स हैं काफ़ी सारे हैं, और उसके बाद ये फ्राइज हैं, और ये पूरा बकेट है जिसके अंदर तकरीबन कोई 5 पीस हैं या 6 हैं, 6 हैं शायद, 6 या 8 हैं पता नहीं, 6 या 8 ये हैं, बड़े 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 पीस, 6 या 8 हाँ। लेकिन जवाद साहब का रांझा राजी नहीं हो रहा, वो कह रहे नहीं जी ये सामान जो ये घर भी जा सकता है, तो अभी हम हार्ड डिस्क पे चलते हैं, क्योंकि इस पूरे हमें मील के अंदर कोई बर्गर नहीं मिला, हम बर्गर का सोच के आए थे। वेरी शाइनी एंड जूसी विंग्स, ओए बहुत इंतहाई मजेदार, ओहो हो अच्छा, वेरी गुड, ऊपर वो सॉस लगी हुई है उसमें, खत्म हो विंग्स हैं टी2 दे, वो टी2 जो तू हर जगह से चोरी करता है। आपको मैं इस बंदे की एक हरकत बताता हूँ, जहाँ जिस कैफे रेस्टोरेंट में जाता है वहाँ पे टेबल से पहले जाते ही टिश्यू चोरी करके जेब में डालता है, फिर उनको कहता है आपने टिश्यू क्यों नहीं रखे हुए, फिर वो टिश्यू लेके आते हैं, फिर दोबारा जेब में डाल देता है। हार्डीज आ चुके हैं हम लोग, इनका ड्राइव थ्रू यही है। हाँ ठीक है यार, वैसे ये पीछे उसके काले हैं शीशे, वरना पता लग जाता है पीछे भी बैठा है कि नहीं। चलो हैं, चलें, मन मान गया, देख पीछे गाड़ी कैसे नीचे बैठी हुई है। हाँ ये तो नहीं, अंतर बहुत लोग हैं ये तो, वो तो शीशे काले थे, वो तो इसने सही नोट किया कि उसके पिछले टायर जो बिल्कुल साथ लगे हुए बॉडी के। अम्मा जी खाना खाने, ये एक हल्की सी ज्यादा हो गई है, वो अंदर से उस बंदे ने उस गाड़ी को आके कहा है कि भाई लाइन बहुत लंबी है, आप साइड पे कर लें, मतलब उधर लगा लें, हम आपका ऑर्डर यहाँ ले लेते हैं, वो हमें भी यही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? हाँ जी बिल्कुल ले लें, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। यार आपने ऑर्डर क्या किया जी? ऑर्डर कर दिया आपने जी? अच्छा सही है, हमारे जो अगली गाड़ी थी वो ही बॉय आए थे मिलने के लिए, उनसे पूछ रहा ऑर्डर क्या किया। अच्छे खासे टाइम के बाद बारी आई और जवाब साहब ने पीछे गुजार दिया, पीछे रह गया, अब इधर से ऑर्डर कर दे भाई जान, आवाज आ रही है भैया, अगली गाड़ी ने जो ऑर्डर किया वो ऑर्डर कर दे, बिलना बताना। अगली गाड़ी ने टाइम काफी लगाया अंदर ना, वो जिस वो जिस तरह से ना वो पॉपकॉर्न के अंदर दाने नहीं पूछते, इस तरह से बच्चे पूछ रहे हैं अंदर से। और मैं तुझे एक और बात बता दूं, ठीक है ना, इसके पैसे तू दे, मैंने दिए फिर छोटे होने, ठीक है ना, अब इसके पैसे तू देगा। ओ भाई उसने हजार हजार के कितने नोट दिए, कलमा पढ़ बेटे कलमा पढ़। कम अज कम मुझे लग रहा है की कोई 3500 का। अच्छा तू बता कितने का? 3000 तो मुझे नजर आया, उससे तो ज्यादा तू था मेरे ख्याल से 3500 बेटा, कंफर्म 4000 से ऊपर है, 5 नहीं है यार, 3000 तो मुझे नजर आए, कैश कैश गिनने का, कैश गिनने का भाई को पता, जैसे उसने पैसे पकड़ाए ना ये 5000 से, कैश आरती रहा तू, मैं कहता हूं शर्त लगा ले 4 से ऊपर है, 3 यार लगी शर्त 3 तो लग गई, 4 से नीचे हुआ मैं दूंगा, 4 से ऊपर नहीं, नहीं अभी तू देगा, तू नहीं देगा। कितना बिल भाई? भैया कितना बिल है? कितना? 4500। कितना बॉडी भाई बंडर, मैंने कहा था 4500 से ऊपर हुआ। नहीं नहीं एक मिनट, ये पकड़ भाई बंडर, ये चीत, ये तो यहाँ पे हमारा बिल बना 4500 रुपीस, पिछली वीडियो का रिकॉर्ड हमारा टूट गया 4400 वाला। स्वाब का मैंने कसम से सोचा था, मैं अभी 3500 की एक चीज आज ही ऑर्डर करनी थी मैंने। एक और आना ना पीछे भी, ऑर्डर कंप्लीट है। हार्डीज पे जो लुट मची है, एक ये बैग है, एक ये बैग है, अभी खोल के देखते हैं इनके अंदर क्या है, एक ये ड्रिंक है, एक ये बोतल, एक ये रगड़ गया है, और दो ये छोटी और, दो ये छोटी ड्रिंक्स हैं, बड़ा अफला तू, और एक ये इतनी बड़ी ड्रिंक है, ये देखो मेरे हाथ जितनी पता नहीं पूरी लीटर की इसके अंदर है। अच्छा जी एक फ्राइज आ गए पकड़ी, एक ये हमारे पास नगेट आ गए, इस तरह की 4 अंदर बर्गर्स हैं ये वाले, वो 4 बर्गर्स। अब जी आ गया हमारा दूसरा बैग, जवाब सब टिश्यू हो गए, टिश्यू। एक इसके अंदर बर्गर है, इस पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा है, सुपरस्टार कौन लेगा? मैं ले लूंगा, पकड़। अब जो अगला निकला वो मेरा और वो डब्बे वाला। यार ये तो फिर पहले बहुत काल ना। नहीं अब कह ले, और तू ले सुपरस्टार। ये 4500 रुपया। मेरे पास आ गया गॉडज़िला, और गॉडज़िला ओए होए ट्रिपल पैटी बीफ बर्गर, हार्डीज का बीफ मुझे वैसे इतना पसंद है, अगर ये गॉडज़िला लेना, गॉडज़िला लेना, ना 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 क्या ले रहा है, मैं कुछ भी नहीं ले रहा, और नहीं ना कुछ ऐसा, मैं वो ले लेता हूं फ्राइज एक। ये बना है जी हमारा थंबनेल, ये गॉडज़िला का सामने जो है उन्होंने पोस्टर भी लगाए हुए हैं, मेरे ख्याल नया बर्गर आया हार्डीज का, पिछले दिनों मूवी आई, इतना बड़ा मैंने मुंह खोला फिर भी नहीं आया। पिछले दिनों एक मूवी आई थी गॉडज़िला कॉन्ग, इंतहाई ड्राई बर्गर है यार, हार्डी से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा ड्राई बर्गर है।
तो मतलब ऐसे बिल्कुल अंदर ड्राई सी पैटीज हैं और सिर्फ एक चीज की लेयर है सामने, जिस तरह इन्होंने बोर्ड पे लगाया था वैसा देखने में, खाने में वैसा बिल्कुल नहीं जिस तरह देखने में। यार हार्डीज का हमेशा बन वगैरह इतना वो सॉफ्ट होता है और ये चीज भी देखो सही से, मतलब वो ऐसे अजीब सा, मतलब एक वो बर्गर है इतना 4500 लगा के ना सब कुछ बुरा लगा। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, वैसे आज आज जो वीडियो ये इस पे पिछली पे हमारे 162K लाइक्स हैं, 162,000। इस वीडियो पे कितने जाने चाहिए यार? 4,50,000। तो इस वीडियो को 200,000 लाइक क्रॉस करो। यस यार 200,000 हो इजीली हो जाएगा, अगर 4.5 लाख हो गए ठीक है तो तू क्या करेगा? ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। हाँ। 4.5 लाख पे इस वीडियो का तीसरा पार्ट है। मैं बोल रहा हूँ कि 200,000 लाइक्स कर दो इंशाल्लाह। अब ये बोल रहे हैं कि 4.5 लाख, अब देखते हैं कि यार 4.5 लाख पे तीसरा पार्ट आएगा। भाई भाई की गारंटी, मुझे टक करके लाइक करो ताकि हम इसका तीसरा पार्ट में। और प्लीज हार्डीज का गॉडज़िला ना ट्राई करना, करो तो किसी और के पास कर लेना। कहते हैं कि जिंदगी में कोई मोड़ आए तो मुड़ जा। वाह 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 वाह, जिंदगी में, जिंदगी में कोई मोड़ आए तो जा जा मुड़ जा। मुझे पता था यही बोलेगा, यही बोलना था यार। जा जा टर जा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफिज़। बर्गर बहुत ही ज्यादा ना ड्राई सा है, सब्सक्राइब करके जाना यार। हाँ हाँ आप लाइक करो, लाइक इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? ये नीचे इसको ऐसे लाइक करो, लाइक करो।